हम आपके बीच सीधे सीधे अपनी बात कहने के लिए आया। हम आपसे अपनी बात को रखूंगा तो अगर अच्छा लगे, अच्छा का मतलब कि मिठाई जैसा नहीं, हम कुछ समय आपका 5 मिनट लेंगे। 2012 में समाजवादियों की सरकार बनी थी जिसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी थे। उस समय आप याद कीजिएगा, तमाम छात्र नौजवान भी खड़े हैं, कि जब 2012 के चुनाव में घोषणा पत्र लेकर आए थे और हमने आपके बीच कहने का काम किया था कि हमारी सरकार को नौजवानों हमारी सरकार बना देना, हम सरकार बनाने के बाद तुमको हम लैपटॉप देने का काम करूंगा। जब हमारी सरकार बनी तो हर डिग्री धारक को जो है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको हम लोग लैपटॉप देने का काम किया। आपका भी गांव बाकी नहीं रहा होगा, वो बेटियां शादी घर पे मैके चली गई होगी, लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट थी तो उसको बड़े बक्से में बढ़िया कंपनी का उसको जो है लैपटॉप दिया गया था। हमने कहा था सरकार बनने के बाद पूरा किया था। उससे पहले आपको नहर के पानी, बिजली के, ट्यूबवेल के पानी का बिल देना पड़ता था। हमारी सरकार बनी तो आपके नहर के पानी और ट्यूबवेल के बिल के पानी का बिल भी माफ किया गया था। आप जो है बिल्कुल सुदूर पीछे इलाकों में आप हैं, कोई बीमार पड़ जाए तो पहुंचते पहुंचते अस्पताल और व्यवस्था करते करते समय लग जाएगा। आप ही के लिए समय से पूरी साहब के दुख दर्द में आ सके, हमने डायल 100 का नाम दिया था कि घर बैठे अगर 100 नंबर डायल कर देगी तो पुलिस दौड़ करके आपके घर आने का काम करेगी। वो समाजवादी पार्टी की और समाजवादी सोच की देन थी। आप अपने घर में हैं, आपको प्रसव पीड़ा है, आप अस्पताल जाने में असमर्थ है, या अस्पताल जाने जाते जाते समय लग जाएगा और बीच में ही आपके प्राण प्राण नहीं बचेंगे, आपके आपके परिवार की खुशी के लिए हम लोग डायल 108 नंबर देने का काम किए थे। आप घर बैठ करके सोए सोए 108 नंबर डायल कर देंगे तो आपके घर जो है सरकार की गाड़ी आती थी कि नहीं आती थी। जब कोई घटना होती थी तो पुलिस की गाड़ी आती थी कि नहीं आती थी। आपके गांव में नौजवानों को लैपटॉप मिला कि नहीं मिला, लैपटॉप लैपटॉप। और जो महिलाएं बैठी हुई है उसमें वो भी महिलाएं होंगी कि जब हमारी 2017 तक सरकार थी तो हमने एक चयन किया था गरीब महिलाओं का। चयन करने के बाद गरीब महिलाओं के खाते में हम 500 रुपये महीना के हिसाब से उनको देने का काम करते थे, समाजवादी पेंशन। इसमें किसी को याद है ना? सरकार जो है हमारे गए हुए आज 7 साल हो गए। हमने कहा था कि हे मेरी माता, हे मेरी बहन, तो मुझे दोबारा सरकार बनाने का मौका दे दो, तुमको 500 रुपये नहीं 2000 रुपये महीना देकर तुम्हारे सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन लोग जो है जात पर, पात पर, धर्म पर और अपने दल जो दल होते हैं उस दल के आधार पर वोट करने का काम कर दिया। वो उसके बेटे को नौकरी मिले उसके सवाल वोट नहीं हुआ, मुफ्त की सिंचाई दी गई उसके नाम पर वोट नहीं हुआ, लैपटॉप दिया गया उस पर वोट नहीं हुआ, 108 वोट नहीं हुआ, 100 वोट नहीं हुआ, महिलाओं के पेंशन वोट नहीं हुआ। वोट आए हुआ
कि अगर अखिलेश यादव जी का सिपाही चुनाव लड़ रहा है, ये कहा गया कि ये पिछड़ों की पार्टी नहीं है, ये तो सिर्फ जो है यादव मुसलमानों की पार्टी है। इसको समझाने में जो सफल हो गए, राजभरों से कहते थे तुम्हारे घर का कोई दरोगा है, आज तो पढ़े ही नहीं हो तो तुम दरोगा कैसे बनोगे, अगर पढ़े ही नहीं हो तो दरोगा कैसे बन जाओगे। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह भाषण दिया जाता था। भाषण में यह भी दिया जाता था कि जब हम होंगे तो जाति जनगणना कराएंगे, और जाति जनगणना हम कराएंगे तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, जिसके जितने जात की संख्या होगी, उसी के आधार पर उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा और राजनीति में भी भागीदारी दी जाएगी। लेकिन वो लाभ के लिए नहीं, अपने एमएलए एमपी बनने के लिए आपके बीच बात कहने का काम कर देते थे, तो आप लोग भी उसके बहाव में आ जाते थे। अब जो है आपका जो संविधान है, जिसमें आपको भीमराव अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया है, अब संविधान जो है तभी जो है गांव के प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रमुख, एमएलए, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनते हैं आप लोग। अब जो भारतीय जनता पार्टी जो आपके बीच चुनाव लड़ रही है, अगर एक बार कहीं आपसे गलती हो गई, एक बार आपने इधर उधर झांका, किसी नेता के प्रति जो है आप आस्थानित हुई, इस देश का संविधान ही समाप्त हो जाएगा। आज संविधान समाप्त होगा, आपका आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। तो हम आपके बीच कहने के लिए हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें हर जात हर वर्ग धर्म के लोग बैठे हुए हैं, जो सामंतवादी होते हैं वो अपना खेत नहीं लिखते हैं, आपको खेत रजिस्ट्री नहीं करते हैं, आपको अपने खेतों में काम कराकर मजदूरी देते हैं, तो सीना ठोक कर कहते हैं उस परिवार का तो खर्चा मैं चलाता हूँ। ऐसा कोई यहाँ भूपत भूमि वाला आदमी नहीं है कि बिना की आपको मजदूर देता होगा। जब कटिया करती होगी तभी आपको बल मिलती होगी, खेत में आपका पति काम करता होगा तभी मजदूरी मिलता होगा, नहीं तो बिना काम के आपको मजदूरी देने वाला कोई नहीं है। और वोट के माने में जितना आपके वोट का महत्व है उतने ही टाटा बिरला के वोट का महत्व है। ये सब कुछ जो है संविधान की देन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है, उसी को ये लोग मिटाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और गठबंधन का उम्मीदवार मैं हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल है, क्या है चुनाव चिन्ह, साइकिल। और आप लोग अगर साइकिल वाले बटन को 1 तारीख को दबा देंगे तो हम लोग शपथ खाए हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए हुए संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे, लोकतंत्र बहाली करने का काम करेंगे, आपके बेटों को जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, माताओं को 850 रुपये महीना या 1 लाख रुपया हम सालाना देने का काम करेंगे। अगर हम आपके बेटे को नौकरी नहीं दे पाए तो उसको हम 8,500 रुपया स्टाइपेंड देने का काम करेंगे। इस गांव के मैं स्वरूप को बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस गांव में मैं रहता हूँ अगर मेरे पे बिजली का बकाया 1 लाख भी है तो उस यही लाइनमैन की हैसियत नहीं है कि हमारी लाइन काट देगा, लेकिन आपको 2,000 बाकी हो जाएगा। इंजीनियर की तो बात छोड़ दीजिए, जो लाइनमैन होगा ना, जो डेली वेज पर मजदूर रखे गए हैं, क्या कहा जा रहे हैं, वो संविदा पर वो भी आएगा हड़का करके अपने घर की बिजली काट देगा। तो मैं कहने जा रहा हूँ कि आप साइकिल कौन देंगे, 200 यूनिट आपको फ्री में देने का काम करेगा।
आप कहेंगे कि ये बकवास करने के लिए आए हैं, आप कहेंगे कि ये बकवास करने के लिए आए हैं, आप कहेंगे कि जब रुपये नहीं है तो नौकरी कैसे देंगे। तो उदाहरण बता रहा हूँ, दिल्ली में कोई आकर रहता होगा तो पता कर लीजिएगा, केजरीवाल की सरकार है और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है वहाँ, वो भी इसी देश का हिस्सा है। बगल में कोई रिश्तेदार आपका हो जो बिहार में रहता होगा, अब बिहार के तो छोड़ दीजिए, यूपी के लोगों को भी 1.5 वर्ष में तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पर दबाव बनाकर 40 सीट वाले लोकसभा राज्य में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। और बताए वो पैसा कहां से आ रहा है, तो जब नियत साफ होगी तो आपको नौकरी भी मिलेगी, आपका संविधान भी बचेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। तो अब हम कहने के लिए आए हैं, और ये पैसा जो है किसी देश से कर्जा लेने नहीं जा रहे हैं,